छतरपुर जिले के लवकुश नगर में पूर्व विधायक आरडी प्रजापति के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया है। तहसील कार्यालय में एसडीएम के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। तमाम प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे और वहां एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व विधायक आरडी प्रजापति, जिन्होंने ओबीसी महासभा के आंदोलन में छतरपुर में तमाम तरह की आपत्तिजनक अमर्यादित टिप्पणी की थी और इसके विरोध में श्री बागेश्वर धाम शिष्य मंडल लवकुश नगर एवं समस्त सवर्ण समाज के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के जरिए मांग की गई है कि नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाए ऐसे भड़काऊ भाषण देने वालों पर। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल और सवर्ण समाज के तमाम लोग दुर्गा मंदिर में इकट्ठे हुए और उसके बाद रैली निकालते हुए तमाम नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुँचे और वहाँ पर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया है। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है, अगर जल्द संबंधित व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जाती तो विवश होकर आंदोलन करना पड़ेगा। पूर्व विधायक के द्वारा खुले मंच से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एवं सवर्ण समाज पर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, जिसको लेकर सवर्ण समाज और बागेश्वर धाम शिष्य मंडल बेहद नाराज है और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंप कर कार्यवाही की मांग की गई है। ज्ञापन दिया जा रहा है और तहसीलदार को और एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने दो दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करने की अपन से बोला है कि दो दिन के अंदर कार्रवाई करेंगे और यदि दो दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ पे चक्का जाम करेंगे, पुतला दहन करेंगे। भारत माता की जय। हमारे बागेश्वर महाराज, पीडी शर्मा जी, सर्वोत्तम मिश्रा जी, लोकप्रिय जिला मंत्री अरविंद पटेरिया जी, जिस तरीके से मुझे गंभीर आरोप लगाए हैं यह गलत है। सदा इन हमारे नेताओं ने सभी समाज का सम्मान किया है। मैं यादव हूँ और मेरे साथ ब्राह्मण भाई भी है, दलित भाई भी है, क्षत्रिय भाई भी है। कभी भी आज तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी भी नेता ने जातिवाद किया है, लेकिन जिस तरीके से आईडी प्रजापति जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे तब उनकी मानसिकता अलग थी और जिस दिन से एमएलए पद से हटे हैं उस दिन से उनकी एक मानसिकता जातिवादी फैलाने की है। चंद वोट बैंक को पाने के लिए हम भाईचारे में, हिंदू भाईचारे में एक वैमनस्य फैलाने का जो आईडी जी ने काम किया है, हम इसकी निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी गंदी मानसिकता वाले ओबीसी महासभा जिन लोगों ने किसी एक विशेष जाति को टारगेट बनाकर सभी समाज को गाली देने का जो काम किया है, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।